फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज मैं फिर काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ, और सीधी सी बात है यार, एक्चुअली लाइफ की मसरूफियात कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं, इसलिए वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता। तो मैंने सोचा चलो आज एक वीडियो बना के लोड कर ही देनी चाहिए। और मैं ये जो आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँगी, काफ़ी टाइम से मैं इस पर वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, काफ़ी टाइम से मैं इस पर बात करने की कोशिश कर रही थी, और अपनी पहली भी कुछ वीडियोज़ में मैंने इस टॉपिक के ऊपर मैंने बात की है, बट ज़्यादा मैंने लंबी बात नहीं की है। आज बेसिक हम बात करेंगे लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज के बारे में इन द सेंस के उर्दू के बारे में, इंग्लिश के बारे में। मुझे बहुत अजीब लगता है, मैं सिंधी स्पीकर हूँ और मैं प्रॉपर सिंधी बोलती हूँ, मैं प्रॉपर उर्दू बोलती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिंधी भी अच्छी है और मेरी उर्दू भी अच्छी है। हाँ, मैं जब आउट ऑफ पाकिस्तान थी तो मेरी उर्दू तो इतनी बुरी नहीं थी, बट मेरी सिंधी बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर मुझे कोई सिंधी बोलने वाला मिल नहीं रहा था, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है वो भी उर्दू स्पीकिंग है, तो हम आपस में उर्दू में ही बात करते थे। डेफ़िनेटली जब आपका पार्टनर एक लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा या बोल पा रहा, तो आपके लिए मुश्किल होता है अपनी लैंग्वेज की प्रैक्टिस, अपनी लैंग्वेज को प्रैक्टिस करना। सो मेरी जो आज की वीडियो है वो इसी बारे में है कि हम लोग, ख़ास तौर पे हम पाकिस्तानी, अपने कल्चर को या अपनी लैंग्वेज को क्यों बाकियों के कल्चर से और क्यों बाकियों के लैंग्वेज से पीछे रखते हैं। आप लोगों ने ये चीज़ नोट की होगी कि आजकल हर जगह इंग्लिश बोली जा रही है। मेरी नज़र में इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, और उसको एक लैंग्वेज की तरह अगर ले करके चला जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। बट यहाँ पर हमारे पास, हमारे घरों में, स्कूलों में, चलें ठीक है स्कूल में हम मान लेते हैं आपने अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डाला है या आपने अपने बच्चे को कैम्ब्रिज सिस्टम में डाला है, ठीक है, तो वहाँ पर टीचर्स आपके बच्चों को इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ साथ उसमें उर्दू भी पढ़ाई जा रही है, तो ऑलवेज़ बच्चा जो है ना वो उर्दू में वीक है, उर्दू बोलने में वीक है, उर्दू लिखने में वीक है, उर्दू पढ़ने में वीक है वो बच्चा, और इंग्लिश में आप देखें वो बच्चा वीक नहीं है। क्यों? क्योंकि घर से उसको यही बात सिखाई जा रही है कि भाई तुमने तो बस इंग्लिश को ही लेकर के आगे चलना है ना, मतलब उर्दू को कौन सोचे उर्दू के बारे में, ना उर्दू के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें जो भी करना है तुमने इंग्लिश में ही करना है। तो इस तरीके से नहीं होता है। मतलब अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आई थिंक फ्राइडे नाइट की बात है या सैटरडे नाइट की बात है, मैं अपनी फैमिली के साथ बाहर गई हुई थी, तो हम लोग बाहर कहीं बैठे हुए थे चाय पीने के लिए, तो वहाँ पर एक फ़कीर आया और वो फ़कीर जो है वो भीख मांग रहा है इंग्लिश में। तो मतलब मैंने देखा उसको कि यार ये इंग्लिश में भीख मांग रहा है, तो मतलब क्या कि अगर वो इंग्लिश बोलेगा तो लोग उसको भीख दे देंगे और अगर वो उर्दू बोलेगा तो लोग उसको भीख नहीं देंगे। मतलब लोगों की आप सोच देखें कि इंग्लिश को इतना ज़्यादा आगे किया जा रहा है और अपनी ज़बान को इतना ज़्यादा पीछे किया जा रहा है कि जिसकी हद है। और ये गलती ना पेरेंट्स की होती है, बच्चों की नहीं होती है। जिस तरीके से हम अपने बच्चे को बड़ा करते हैं, उसको तमीज़ देते हैं, उसको तरबियत देते हैं, उसी तरीके से हमें अपने बच्चे को ये भी सिखाना चाहिए कि भाई उर्दू आपकी लोकल ज़बान है, आपकी मदर टंग है, आपको उर्दू बोलना आनी चाहिए। पेरेंट्स अपने बच्चों से घर में इंग्लिश में बात करते हैं, ठीक है, आप कहीं मॉल चले जाओ, मैं मॉल जाती हूँ अगर अपने बेटे के साथ, तो कोई भी पेरेंट अगर वो बच्चे को बोलेगा बेटा कम हेयर, तो क्या ये बोलने में आपका मुंह थकता है कि बेटा इधर आ जाओ दूर मत जाओ? मतलब कम हेयर आप बोलोगे तो ही आपका बच्चा आपके पास आएगा, और अगर आप बोलोगे बेटा इधर आओ तो आपका बच्चा आपके पास नहीं आएगा। क्या सोच है लोगों की ना, मतलब किस तरीके से लोग अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को भूल के लोग जो हैं बाकी कल्चर्स को और बाकी लैंग्वेजेस को वो आगे लेकर के जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि मेरी उर्दू बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं कहती कि मेरी सिंधी बहुत अच्छी है, बट जहाँ पर मुझे उर्दू बोलने का मौका मिलता है, जहाँ पर मुझे सिंधी बोलने का मौका मिलता है, वहाँ पर मैं बोलती हूँ। मैं आउट ऑफ पाकिस्तान, काफ़ी अरसे मैं आउट ऑफ पाकिस्तान रही हूँ, और मुझे उर्दू का तो इतना मसला नहीं था, बट मुझे सिंधी का मसला हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर मेरे साथ कोई सिंधी बोलने वाला नहीं था, तो मेरी सिंधी बहुत ख़राब होती जा रही थी। बट नाउ मेरी सिंधी अच्छी है,
अल्लाह का शुक्र है मैं प्रॉपर सिंधी बोलती हूँ, और उर्दू भी मेरी बहुत वीक होती जा रही थी। इवन अभी भी जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मेरी उर्दू में बहुत सारे जो हैं वो इंग्लिश के वर्ड्स मैं यूज़ कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो हूँ वो अपनी लैंग्वेज में बात नहीं करूँगी और मैं सिर्फ इंग्लिश में बात करूँगी, नहीं, मेरी उर्दू वीक है, मेरी उर्दू वीक हो गई है और मैं उसको सही करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को कहते हैं कि जी आपने इंग्लिश ही बोलनी है। मज़े की स्टोरी मैं आप लोगों को एक बताती हूँ। मेरा बेटा है, ठीक है, और उसकी मैं होम स्कूलिंग करवा रही हूँ, तो उसके लिए मैंने ट्यूटर हायर किए। ट्यूटर्स के लिए मैंने हायर किए तो जो है वो जो उनके जो ट्यूटर थे तो उन्होंने कहा, दो तीन इंस्टीट्यूट से मुझे कॉल आई कि मैडम हम आपके घर आकर के बच्चे को जो है वो मतलब डेमो क्लास आप हम देना चाहते हैं, हम देख लें बच्चा कैसा है और हाँ हम कैसे हैं आप देख लें। तो मैंने कहा अच्छा ओके। उसमें से मैंने एक ट्यूटर को घर पे बुलाया तो उस ट्यूटर ने मुझे बोला कि अच्छा वो इंग्लिश में ही बात किया जा रहा है ना। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा आपको उर्दू नहीं आती है? तो ही सर नहीं, मेरी उर्दू बहुत वीक है। तो मैंने ना उसको मतलब सिर्फ ऐसे करके देखा, मैंने उसको कुछ बोला नहीं। मैंने कहा आपकी उर्दू वीक है, आप बच्चों को आप ट्यूशन्स पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप जो हैं वो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्कूल में टीचिंग करते होगे या आप बाहर निकलते होगे, तो आपकी उर्दू कैसे वीक है, आपको उर्दू कैसे नहीं आती है? तो उसने कहा हमारे घर में उर्दू बोलने का रिवाज नहीं था। मतलब क्या मतलब? तो मैंने कहा उर्दू बोलने का रिवाज नहीं था तो उर्दू के अलावा आपके घर में कौन सी और लैंग्वेज बोली जाती थी? तो उन्होंने मुझे कहा इंग्लिश। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इंग्लिश क्यों, आपके पेरेंट्स जो हैं वो फॉरेनर्स हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे पेरेंट्स तो पाकिस्तानी हैं और हम तो कभी पाकिस्तान से बाहर भी नहीं गए ना। तो उस ट्यूटर को मैंने हायर इसीलिए नहीं किया कि यार मैं अपने बच्चे को ना उर्दू से पीछे नहीं रखना चाहती। मेरा बच्चा बाहर पैदा हुआ है, आउट ऑफ पाकिस्तान, वहीं पे वो ग्रो किया है, अभी वो 11 ईयर्स का है, कुछ टाइम से वो पाकिस्तान आया हुआ है, बट स्टिल उसको मैंने उर्दू सिखाई कि भाई आपने उर्दू भी बोलनी है। अब मेरे बच्चे कहे कि उसको पता है कहाँ इंग्लिश बोलनी है कहाँ उर्दू बोलनी है, ही नोज़ वेरी वेल के उसको हमने उर्दू सिखाई, दोनों ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हमने उस बच्चे को उर्दू सिखाई। इवन दो उसकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है बट स्टिल वो उर्दू बोलता है। और यहाँ पर अगर कोई बच्चा आउट ऑफ पाकिस्तान से आ रहा है तो फ़ौरन से ना मतलब बोले जाते हमारे बच्चे को तो उर्दू नहीं आती है, हमारे बच्चे को सिर्फ इंग्लिश आती है, और उस बात पर फ़ख्र किया जाता है। यहाँ पर पाकिस्तान में पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं हमारे बच्चे को तो बस इंग्लिश ही आती है, बस हम घर में पेरेंट्स हो गए या ग्रैंड पेरेंट्स हो गए अपने बच्चों से जो है वो हम इंग्लिश में ही बात करते हैं, उर्दू में नहीं बात करते, हमारे घर का माहौल है कि मतलब हम बस अपने बच्चों से इंग्लिश ही बात करें, तो उनको फ़ख्र महसूस होता है। मैं कहती हूँ आप लोग को फ़ख्र महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को शर्म आनी चाहिए, आप लोग शर्मिंदा होने चाहिए कि यार हम बींग अ पाकिस्तानी हम अपनी लोकल लैंग्वेज नहीं बोल रहे। मतलब वही बात हुई ना कि अंग्रेज चले गए बट स्टिल हम गुलाम हैं अभी भी अंग्रेज़ों के, हम गुलाम हैं अभी भी अपनी ही सोच के कि हम जो है अपने कल्चर को और हम जो है वो अपनी लैंग्वेज को हम पीछे रख रहे हैं, और हम जो के इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश हो गई, जो भी वॉट एवर लैंग्वेज इट इज़, ठीक है, हम उसको हम आगे ले करके चल रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स होते थे काफ़ी सारे सिंगापुर में, तो उसमें जर्मन भी थे, फ्रेंच भी थे, फिलिपिनोज भी थे, कोरियंस भी थे, अमेरिकन्स भी थे। भाई वो जिनको इंग्लिश नहीं आती थी, जैसे फ्रेंच हमारा एक फ्रेंड है उसको नहीं आती थी इंग्लिश, तो वो बोलता था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती क्योंकि इंग्लिश जो है वो मेरी जबान नहीं है, मुझे फ्रेंच आती है। तो बीच में कोई एक ऐसा फ्रेंड हमारा होता था जिसको फ्रेंच आती थी और फिर वो ट्रांसलेट करता था। इवन दो जब मैं भी काफ़ी यंग एज में मैं सिंगापुर गई हूँ तो मुझे भी इंग्लिश इतनी प्रॉपर नहीं आती थी, मुझे बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती थी, मतलब कि मैं समझ लेती थी इंग्लिश, ठीक है, और मैं बोल लेती थी, टूटी फूटी इंग्लिश बोलती थी बट मुझे प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती थी। जब मैं वहाँ पर गई तो मुझे बड़ा मसला हुआ लोगों के साथ मिंगल करने में, तो लेकिन मैं शर्मिंदा नहीं होती थी कि यार मुझे इंग्लिश क्यों नहीं आ रही है, मुझे वो शर्मिंदगी नहीं होती थी, मुझे
अच्छा लगता था कि एटलीस्ट मुझे अपनी ज़बान आती है, मैं अपनी लैंग्वेज बोल सकती हूँ। तो फिर बीच में जो है वो कोई एक ऐसा फ्रेंड होता था जो कि पाकिस्तानी या जो कि इंडियन, तो वो ट्रांसलेटर का काम करता था और वो जो है मुझे जो इंग्लिश बोल रहा है अगर उसके कोई वर्ड्स मुझे समझ में नहीं आ रहे तो वो मुझे समझाता था। लेकिन रहते 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 मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो गई और मैंने इंग्लिश बोलना अच्छी खासी स्टार्ट कर दी। अब मैं अच्छी इंग्लिश बोलती हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस चीज़ को ले करके प्राउड फील करूँ कि नहीं यार मुझे तो इंग्लिश आती है। तो मैं आप लोगों से यही बात बोलूंगी कि अपने बच्चों को आप लोग उर्दू भी सिखाइए, क्योंकि उर्दू हमारी अपनी मादरी जबान है, हमारी अपनी मदर टंग है और हमारे बच्चों को उर्दू आनी चाहिए। इस बात पे आप लोग फख्र महसूस मत करें कि आपके बच्चा इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है? आप इस बात पे आप शर्मिंदा हो कि आपके बच्चे को उर्दू नहीं आती है। उर्दू लाजमी है आपके बच्चे के लिए। उज़ैर को मैंने उर्दू सिखाई, उज़ैर का ये हाल था कि वो कबूतर को कबूतर नहीं कबातूर बोलता था, वो गाड़ी को गाड़ी नहीं गाड़ी बोलता था, ठीक है? तो उज़ैर की उर्दू मैंने इम्प्रूव करवाई, अभी भी उसकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी हम दोनों जो हम हैं उसके पेरेंट हम यही कोशिश करते हैं कि उज़ैर उर्दू बोले। यहाँ तो मतलब हमारा बच्चा तो दुबई से आया है, कनाडा से आया है, यूएस से आया है या इंग्लैंड से आया है, तो हमारे बच्चे को उर्दू नहीं आती है। अरे क्यों नहीं आती है? आप दोनों माँ बाप पाकिस्तान से गए, पाकिस्तान में पैदा हुए हो, ठीक है, आप दोनों उर्दू बोलने वाले हो तो डेफिनेटली आप लोग आपस में उर्दू में तो बात करते होगे ना। हाँ, अगर दोनों पेरेंट में से कोई एक पेरेंट जो है वो फॉरेनर है, वो इंग्लिश स्पीकर है या वो वट एवर स्पीकर इट इज़ ना, तो डेफिनेटली बच्चे के लिए उर्दू बोलना मुश्किल होती है, क्योंकि आप अपने पार्टनर से फिर उस लैंग्वेज में बात करते हो जो दोनों पार्टनर्स को कॉमन लैंग्वेज आ रही होती है। बट जब आप दोनों पेरेंट्स आप उर्दू बोलते हैं तो आप लोग बच्चों को उर्दू क्यों नहीं सिखाते हैं? बच्चों को उर्दू सिखाएं आप लोग। मतलब कि हर जगह आप पाकिस्तान में आप कहीं जाओ, किसी किसी आप बुटीक में चले जाओ, किसी आप सलून में चले जाओ, कहीं पे भी जाओ, बस इंग्लिश बोल के उनको इम्प्रेस करवाना है कि जी हमें इंग्लिश आती है। ऐसा मत करें। अपनी जबान को, अपने रूट्स को, अपने कल्चर को ना आप लोग पीछे मत छोड़ें, क्योंकि मैं रह करके देख के आई हूँ बाकी लैंग्वेजेस बोलने वालों को, बाकी कल्चर्स को, बाकी बाकी जो हैं क्या बोलेंगे, आई डोंट नो उसका करेक्ट वर्ड मेरे माइंड में नहीं आ रहा, कि बाकी लोगों के कल्चर को और उनकी लैंग्वेजेस को और उनके चीज़ों को मैं देख करके आई हूँ। वो अपने कल्चर को और वो अपनी लैंग्वेज को वो सबसे आगे रखते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता चाइनीज़ चाइनीज़ बोलेगा, जापानीज़ जापानीज़ बोलेगा, रशियन रशियन बोलेगा, अमेरिकन इंग्लिश बोलेगा, ठीक है? तो हर हर इंसान अपने अपनी चीज़ों को हर इंसान आगे रखता है। मतलब इंग्लिश बोलना मतलब क्या, उर्दू बोलना, उर्दू बोलने में आप लोगों का मुंह थकता है या आप लोगों को इंसल्ट फील होती है कि यार हमारे बच्चे सबके सामने बैठ के उर्दू बोलेंगे, या नहीं यार हम अपने बच्चों से इंग्लिश में बात करेंगे। मुझसे, मैं पाकिस्तान आती थी, उज़ैर पाकिस्तान आता था, तो हमसे जब कोई यहाँ पर मेरी फैमिली वाले या मेरे फ्रेंड्स वगैरह जब मुझसे इंग्लिश में बात करते थे या उज़ैर से, तो मैं कहती थी होल्ड ऑन, मुझे भी उर्दू आती है और उज़ैर को भी उर्दू आती है, तो आप हमसे उर्दू में बात कीजिए। हमें ये, हाँ अगर हमें, मुझे अगर उर्दू नहीं आती या मेरे बच्चे को अगर उर्दू नहीं आती तो ठीक है आप उसे इंग्लिश में बात कर सकते हो, बट मैं उर्दू में बात करना चाहती हूँ इसलिए मैंने अपने बच्चे को भी उर्दू सिखाई है। हम जैसे हम पाकिस्तानी हो गए या एक आध दो और कंट्रीज हो गई जैसे इंडिया हो गया, ख़ास तौर पे देसी पेरेंट्स, वो अपने बच्चों को ना हिंदी सिखाते हैं इंडियंस, ना पाकिस्तानी अपने बच्चों को उर्दू सिखाते हैं, बस उनका यही होता है इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। तो यार अपनी जबान पे भी ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रख लें। कहते हैं ना कि आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो और आपको, जब तक आपको अपने अपने प्रोडक्ट के ऊपर जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं हो तो आप मार्केट में क्या सेल करोगे? तो ऐसे ही जब तक हम अपनी लैंग्वेज नहीं बोलते तो हम क्या बनेंगे? आई डोंट नो आप लोग को ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं इस बात को नहीं जानती, बट बात यही है कि थोड़ा सा ना हम पेरेंट्स को सोचना चाहिए। बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चा तो लिक्विड है ना, कि हम उसको जिस शेप में डालेंगे वो उसी शेप का बन के निकलेगा, बट हम पेरेंट्स का काम है कि ट्यूटर्स को हम ये बोल देते हैं कि जी आप अगर हमारे बच्चे को पढ़ा रहे हो तो जो आपने ना इंग्लिश में ही बात करनी है।
अरे इंग्लिश तो अगर बच्चा झक मार के सीख लेगा, जब वो इंग्लिश पढ़ रहा है तो इंग्लिश बच्चा सीख लेगा, बट उर्दू नहीं सीख पाएगा। मतलब मुझे ताज्जुब होता है कि लोग जो हैं वो इंग्लिश को मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने हाइप दिया हुआ है, और अपनी लैंग्वेज को उन्होंने इतना ज़्यादा नीचे रखा हुआ है कि मुझे अजीब लगता है यार, कि किस तरीके से मैं एक मतलब अजीब अजीब सी मेरी सिचुएशन हो जाती है कि किस तरीके से मुझसे लोग करते हैं ये सब चीज़ें। मेरे साथ भी होती हैं बट मैं उनको वहीं पे रोकती हूँ। तो मेरा आप लोगों से एक यही एक रिक्वेस्ट है कि फॉर गॉड सेक अपने बच्चे को आप लोग इंग्लिश भी सिखाइए, ठीक है। और इंग्लिश को जो है वो सिर्फ एक ज़बान समझें, एक लैंग्वेज समझें, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है। आपको पाकिस्तान में इंग्लिश बोलने से कोई ब्रिटिश सिटीजनशिप या अमेरिकन सिटीजनशिप या ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप आपको नहीं मिलने वाली। आप यहीं पे रहने वाले हो या बाहर जा रहे हो स्टडीज़ के लिए जा रहे हो, ठीक है, बट वो आपके इंग्लिश बोलने पर आपको सिटीजनशिप नहीं देंगे, या वो आपके इंग्लिश बोलने पर आपको कोई क्या कहते हैं कि कोई अवार्ड नहीं देंगे, कोई मेडल्स नहीं देंगे। आगे वो लोग भी हंसते हैं, पता है आप लोगों को, कि यार तुम कैसे पाकिस्तानी हो या तुम कैसे इंडियन हो, कि जिसको जिसको अपनी जबान नहीं आती ना। तो ये पेरेंट्स का काम है, ये बच्चे का काम नहीं है। खैर आई थिंक डिस्कशन बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों से किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। बट जो टॉपिक पे मैंने आज बात की है इस पे आप लोग गौर करें और उर्दू अपने बच्चों को सिखाएं, उर्दू बोलने पे शर्मिंदा ना हो ना आप, और अपने बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस डालें कि आपका बच्चा जिस तरीके से प्रॉपर इंग्लिश बोलता है वैसे ही प्रॉपर आपका बच्चा उर्दू बोले। अपने बच्चे को आप ये चीज़ बताइए कि जी उर्दू हमारी मदर टंग है, हमारी मादरी जबान है, और हमें उर्दू भी आनी चाहिए। उर्दू बोलना कोई गलत बात नहीं है, उर्दू बोलने से किसी की इंसल्ट नहीं होती है, ठीक है। उर्दू जो है वो बोलना कोई मतलब उर्दू उर्दू मतलब आई डोंट नो मैं किस तरीके से आप लोग को एक्सप्लेन करूँ, बट क्या बोल सकती हूँ मैं। खैर चलें ठीक है, मैं सब वीडियो को यहीं पे बंद करती हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से किसी और वीडियो में किसी और दिन मुलाकात होगी, और मेरी जो आज जिस टॉपिक पे मैंने बात की है उसको उस पर आप लोग गौर कीजिएगा और सोचिएगा एक बार कि हम कितना गलत करें अपने बच्चों के साथ उनको उर्दू नहीं सिखा के। चाहे आप पाकिस्तान में हो चाहे आप आउट ऑफ पाकिस्तान हो, ठीक है, आप लोग अपने बच्चों को उर्दू सिखाइए। एट दी एंड हमारी रूट्स जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, एट दी एंड हम उर्दू बोलने वाले हैं, हम नेटिव उर्दू स्पीकर्स हैं, तो हमें उर्दू आनी चाहिए और हमारे बच्चों को भी। चलें अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, फिर किसी और दिन किसी और टॉपिक पे आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर, सी या, बाय, टेक केयर, सी या।